एक अंतर्राज्यीय ड्रग सप्लाई गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। क्राइम ब्रांच की नार्कोटिक सेल ने इससे 300 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 50 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी 56 वर्षीय घनश्याम को दिल्ली के पीरागढ़ी से पकड़ा गया, जबकि 23 वर्षीय परवेज आलम को यूपी के बदायूं से गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी नार्कोटिक्स चिन्मय बिश्वाल ने बताया कि एसीपी मयंक बंसल की देखरेख में बनी इंस्पेक्टर राम मनोहर, एएसआई ओम प्रकाश, सुधीर, हेड कांस्टेबल अशोक, संजय, परमिंदर, निहाल और सिपाही अनुज की टीम ने घनश्याम को पीरागढ़ी गांव से दबोच लिया। इससे 200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि वो हरियाणा के हिसार के हांसी का रहने वाला है। राजस्थान के उदयपुर में इलेक्ट्रिशियन का काम सीखने के बाद वहां दुकान खोल ली। लोकल लोगों की संगत में पड़कर वो हेरोइन का सेवन करने लगा। इससे वो ड्रग का आदि हो गया। नशे में पड़ने से उसकी दुकान बिक गई और शादी भी नहीं हो सकी। वो दिल्ली के निहाल विहार में आकर मोटर पार्ट्स का काम करने लगा। ज्यादा नशे का आदि होने से सारा काम छूट गया। कुछ समय बाद वो बदायूं से ड्रग सप्लाई करने के धंधे में जुड़ गया। हर हफ्ते वहां से हेरोइन लाकर दिल्ली में सप्लाई करने लगा। इसने बताया कि वो माल पप्पू नाम के सप्लायर से लेकर आता था। पुलिस इसके जरिए परवेज आलम उर्फ पप्पू तक पहुंची, जिससे बाइक और 100 ग्राम हेरोइन रिकवर हुई। इसने बताया कि वो बरेली के राशिद के लिए काम करता है, जिसे 2018 में क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।